हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ जो अंडर 50,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा मार्केट में। और ये सभी लैपटॉप जो है वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप एक लैपटॉप परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप इन सभी 5 लैपटॉप में से कोई भी जो मार्केट में अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। ये सभी जो है वो अपने सेगमेंट में बेस्ट है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे है मी नोटबुक 14 और इसमें आपको जो है वो 2 वेरिएंट आता है, 8GB रैम एंड 256GB SSD वाला जो वेरिएंट है जिसमें आपको i5 10th Gen और UHD ग्राफिक जो है वो मिलेगा। उसका प्राइस है 41,999 रुपीज़। और दूसरा जो है वो है 8GB रैम 512GB के साथ जो है वो आता है, उसमें आपको i5 10th Gen मिलेगा UHD ग्राफिक के साथ 44,999 रुपीज़। सो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले का साइज़ आपको 14 इंच मिलेगा जिसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल्स। और इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलता है। प्रोसेसर आपको कोर i5 मिलेगा 10th Gen और 8GB रैम आपको इसमें मिलेगा। विंडोज़ 10 होम जो है वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल। SSD आपको 512GB जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और ग्राफिक जो है वो आपको NVIDIA का GeForce MX250 ग्राफिक मिलेगा। और वेट जो है वो इसका 1.50 kg जो है आपको इसका वेट मिलेगा। दूसरा जो आपको वेरिएंट मिलता है वो आपको मी नोटबुक 14 होराइजन मिलता है और इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले पे देखते हैं। तो डिस्प्ले आपको 14 इंच का मिलता है और डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन है वो आपको 1920x1080 पिक्सल्स आपको जो है उसका रिजोल्यूशन मिलता है। ये भी टच स्क्रीन नहीं है। और जो प्रोसेसर है वो आपको कोर i7 जो है आपको इसमें मिलता है 10th Gen वाला। और 8GB रैम आपको इसमें मिलेगा। और OS जो है आपको विंडोज 10 होम मिल जाएगा। SSD आपको 512GB मैक्सिमम मिलेगा। और NVIDIA का GeForce MX350 जो है आपको इसमें ग्राफिक मिलेगा। और जो वेट है वो आपको 1.35 kg का मिल जाएगा। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 8GB रैम एंड 512GB SSD के साथ i5 10th Gen आता है 54,999 रुपीज़ में। और 8GB रैम 512GB SSD और i7 10th Gen NVIDIA MX350 के साथ जो है वो आएगा वो आपको 59,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। तीसरा जो लैपटॉप है वो आपको मिलता है Lenovo IdeaPad Slim 3i। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 15.6 इंच का मिलता है। रिजोल्यूशन आपको 1920x1080 पिक्सल्स मिलता है। टच स्क्रीन आपको इसमें नहीं मिलेगा। i5 10th Gen आपको इसमें प्रोसेसर मिलेगा। रैम आपको इसमें 8GB का मिल जाता है। विंडोज 10 होम ऑफिशियल मिलेगा। और 512GB मैक्सिमम आपको इसमें SSD मिल जाएगा। और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो है आपको मिलेगा जो i5 10th Gen में होता है। और 1.85 kg का इसका जो है वो वेट है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम एंड 512GB i5 10th Gen के साथ आता है। इंटेल इंटीग्रेटेड UHD आपको जो है वो ग्राफिक मिल जाएगा। 50,990 रुपीज़ इसका प्राइस है। चौथा जो लैपटॉप है वो आपको एसर के तरफ से एस्पायर 3 जो आपको मिलता है। और इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको 1920x1080 पिक्सल्स आपको इसमें मिलते हैं। टच स्क्रीन ये भी नहीं है। और कोर i5 जो है वो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 10th Gen वाला। 8GB रैम के साथ ये आता है। विंडोज 10 होम जो है आपको ऑफिशियल मिल जाएगा। 1TB HDD इसमें मिलता है। SSD का ऑप्शन मिलेगा, आप SSD चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। और NVIDIA का MX330 जो है आपको ग्राफिक मिलेगा। और 1.90 kg जो है इसका वेट है। सो इसमें आपको एक वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम एंड 1TB HDD i5 10th Gen और MX330 ग्राफिक के साथ ये आता है 47,965 रुपीज़ में। पांचवा जो लैपटॉप है वो भी आपको ASUS की तरफ से आता है, ASUS Vivo Book Ultra। और इसमें जो आपको डिस्प्ले का साइज़ मिलता है वो आपको 15.6 इंच का साइज़ मिलता है जिसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल्स। और टच स्क्रीन इसमें भी आपको नहीं मिलता है। प्रोसेसर आपको Ryzen 5 5400U मिलता है। 8GB रैम आपको इसमें मिलेगा। विंडोज 10 होम ऑफिशियल मिल जाएगा। और SSD आपको 512GB मिलेगा। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक पे ये रन होगा, इसमें आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया गया है। और 1.80 kg का जो है इसका वेट है। इसमें भी आपको एक वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम एंड 512GB SSD Ryzen 5 5400U इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है। और
इसका प्राइस है 51,999 रुपीज़। सो गाइज ये सारे लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज़ में आ जाएंगे। इसका प्राइस जो है वो डिफर होता रहता है, कभी प्राइस हाई रहता है और कभी जो है वो इसका प्राइस जो है वो सेल में कम भी हो जाता है, तो प्राइस जो है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बाकी ये सारे लैपटॉप जो है वो वन ऑफ द बेस्ट हैं अंडर 50,000 रुपीज़ में। सो अगर कोई भी लैपटॉप आपको परचेस करना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।